पहले पहरे रैन के वण जारे अमित्रा हुकम पया गरबास उर्ध तपे अंतर करे वण जारे अमित्रा खसम से ती अरदास खसम से ती अरदास वखाने उर्ध ध्यान लिव लागा नामर जागाया कल भीतर बहुर जासी नागा जैसी कलम उड़ी है मस्तक तैसी जियड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुक्म पया दरबास। जीवन रूपी राग दा पहला पैर माता दे गर्भ तो आरंभ होया यही जन्म से और ये जन्म काल आनंदमयी से ये जन्म काल समाधि लीन से माता दे गर्भ दे प्रवेश हो गया जन्म हो गया पर ये प्रवेश ये जन्म समाधि लीन से जीवन भर जिड़ा जीवन बचपन जवानी ते बुढ़ेपे दे दौर तो लंघदा है फिर बचपना फिर जवानी फिर बुढ़ेपा उसे ही आगोश नू जीवन भर लभदा रहिंदा है उसे ही गुफा नू उसे ही समाधि नू उसे ही आनंद नू उसे ही रस नू। जन्म काल सारियां दा आनंदमयी है जीवन दुखदाई है जन्म काल ते सारियां दा देवमयी है जीवन दैंतपना हो जांदा है जन्म काल ते सारियां दा प्रकाशमयी है पर जीवन अंधकार हो जांदा है जन्म दे ते सारे भगवान दी तरह हुंदे ने पर जीवन शैतान हो जांदा है। जीवन रूपी रात दा पहला पैर बतीत होया भगवान दी तरह बिल्कुल देवमयी समाधि लीन एक संत या इंज कह लो सारी दुनिया विच संत बनन दा जो ख्याल पैदा होया भगत बनन दा जो ख्याल पैदा होया ईश्वर दी प्राप्ति दी जिहड़ी चाहत पैदा हुई इस दी सब तो पहले अनुभूति माता दे गर्भ विच होई सी। सब तो पहला आनंद इसने माता दे गर्भ विच माणिया सी। जीवन रूपी रात दा दूसरा पैर हुण जीवन प्राप्त हो गया है ते प्राप्त होंदिया की होया है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसनू इस ढंग नाल बयान करदे ने दूजे पैरे रहण के वण जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान। उजड़ी ध्यान दी एकाग्रता से भंग हो गई उस जो सुरत जुड़ी हुई सी टूट गई समाधि भंग हो गई। आम असी सुनते हाँ किसे योगी दी किसे संत दी जब समाधि भंग होवे क्रोधित हो जाता है उत्तेजित हो जाता है और जेड़ा भी उसकी समाधि भंग करे कई दफा ऐसा देखने दे चाहे उन्हें श्राप देने पे उतरता है। बच्चे दा इधर माता दे गर्भ तो बार आना समाधि दा भंग होना है एक संत दी समाधि भंग हो गई। अजे ये श्राप देन जोगा ते है नहीं तो धाइयां मार के रोया चीख निकली है रोया है रोई जा रहा है रोई जा रहा है हैरानगी है ये बाहर आंदे ही रोन लग पे है ये संसार विच आंदे ही रोन लग पे है जीवन प्राप्त होया है ये रोन लग पे है। जन्म काल विच नहीं रोया माता दे गर्भ विच नहीं रोया यही उसका जन्म सी ते जन्म दा पीरियड ये 10 महीने तक असी मन सकते हैं 10 महीने तक ये जन्म काल सी। फिर गालबन 9 साल तक बचपना है बिल्कुल बचपना फिर अगां कोई 35-40 साल तक जवानी है युवा अवस्था है फिर जवानी तो पैर खिसकदा है बुढ़ेपे दे जो है कदम जो है पेंदे ने
इस तरीके नाल चार पड़ावां तो साडा ये जीवन लंघदा है। प्रथम जन्म ए पीरियड ए अवसर 10 महीने का है। 10 महीने की लंबी समाधि कहिंदे ने अगर इतनी लंबी समाधि कोई जीवन काल विच प्राप्त कर ले तो उसने अपने आदि नूं लभ लिया, उसने अपना पिछोकड़ लभ लिया। समाधि लगती है किसी की 10 मिनट, किसी की 5 मिनट, किसी अभ्यासी की 1 घंटा, किसी की 2 घंटा, कदी कदी लखां दे चों हजारां दे चों एक कद मनुख धार्मिक दुनिया च ऐसा पैदा हो जाता है जिसकी समाधि कई महीने लगती है और जिसकी 9-10 महीने पूरी समाधि लग गई, समझ लो उसने अपना जन्म काल लभ लिया। तो जिसने उस जन्म नूं पकड़ लिया है, उस जन्म नूं लभ लिया है, फिर ऐसे जन्म विच मृत्यु होंदी नहीं, ये फिर जन्म ते मरण तो रहित हो गया जिहड़ा आम संसार विच चलदा है। उसनूं ऐसा जन्म लभिया जिहदे विच मृत्यु ही नहीं, उसनूं ऐसी दुनिया लभी जिस विच मौत है ही नहीं। अमृत मृत्यु तो रहित जीवन उन अमृत लभदे है। मनुख दे प्राणा विच ये जो आबे हयात की प्यास है, ये जो अमृत की प्यास है, दरअसल ये प्यास भी माता दे गर्भ तो चली। क्यों? उस जन्म काल विच भी मृत्यु का भय नहीं सी, मौत का भय है ही नहीं सी, किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं सी। भय चल पैंदा है जीवन प्राप्त तो, गर्भ तो बाहर आउंदे आई भय चल पैंदा है, बच्चा भयभीत होण लग पैंदा है, डरन लग पैंदा है। तो 10 महीने की यह लंबी समाधि, 10 महीने का यह लंबा अनुभव जीवन भर उसकी चाहत ते तड़प बनाई रखता है। यह गल वखरी है कि जिन्ने चिर तक उस तरह की गर्भमयी अवस्था मनुख संसार विच लभ ना लवे, इसनू समाधि लभनी भी नहीं, उस समाधि मिलनी भी नहीं। उस तरह की गर्भमयी अवस्था नू लभन लई जे कुछ साधक जंगलों की तरफ भजे, पहाड़ों की कंदरां की तरफ भजे, जमीन विच भौरे की तरफ जो है भजे, बयाबान उजाड़ अस्थानां दे उत्ते जो है भज पै, एकांत लभण की कोशिश की थी, एकांत का यह अनुभव भी माता दे गर्भ तो चले है, उत्थे भी एक सी एकांत सी, एक दे नाल जुड़िया हो सी, खुद भी एक सी, दूजा है ही नहीं सी, तीजा है ही नहीं सी, चौथे की कोई है ही नहीं सी, भीड़ बिल्कुल नहीं सी। अज भी जे कदी कदी मनुख भीड़ तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, किसी एक पासे चलीए, गोशा तनहाई दे चलीए, इस भीड़ तो भजिए, इस तरह का ख्याल जो पैदा हो जाता है, यह ख्याल भी जन्म काल तो मिले है। पर जैसे जीवन प्राप्त होया, जन्म काल तो बाहर आया, माता दे गर्भ तो बाहर आया, लिव टुट गई, ध्यान टुट गया, समाधि भंग हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज जीवन रूपी रात दे इस दूसरे पहर नूं इस ढंग नाल बयान करदे ने, दूजे पहरे रहण के वण जारिया मित्रा विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाइए वण जारिया मित्रा ज्यों जसोदा घरे कान। जिवें जसोदा लाड दे नाल कृष्ण नूं हथां विच नचांदी है, खिलांदी है, पिलांदी है, बगल गेर आउंदी है, दरअसल हर बच्चा मां लई ते कृष्ण है, हर बच्चे लई मां ते जसोदा ही है। बच्चा जो है कैसा भी क्यों नहीं, वो मां लई ते राजा बेटा है। बच्चा चाहे कैसा ही क्यों नहीं, वो मां लई ते कृष्ण है, मां लई ते राम है, मां लई ते अवतार है, मां लई ते भगवान है, मां लई ते सब कुछ है, मां लई ते हुक्मरान है। बच्चा थोड़ा जिहा तोतली जबान नाल बोलना सीख जाए, जो कुछ बोलदा है मां तत्छिन पूरा कर दी है, इंज जिवें किसी हुक्मरान की गल सुन के कोई गुलाम हथ जोड़ के खड़ा हो जाता है ते गल मनन नूं तैयार होंदा है, इस तरह ही मां मनदी है और गल मन के खुश होंदी है। हर मां लई बच्चा ते हुक्मरान है,
हर मां लई बच्चा ते उसका राजा बेटा है, हर मां लई बच्चा ते कृष्ण है। इसे ही ख्याल नूं गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरे पहरे विच बयान पे करदे ने। दूजे पहरे रहण के वण जा रहा मित्रा, विसर गया ध्यान, ध्यान दे टुटदियां धाइयां मार के रोया है। अजोकी साइंस भी अपने ढंग नाल खोज कर रही है कि जमदियां ही बाहर आंदियां ही जीवन दे प्राप्त होंदियां ही बच्चा रोया क्यों है, क्यों रो रहा है। भुख इसनूं अजे लगी नहीं, शरीर विच कोई रोग है नहीं, कोई दर्द ते पीड़ा भी नहीं, फिर रोण दा कारण, क्योंकि रोण दा कारण केवल दुख ही है, दुख तो बिना रोना नहीं होता। तमाम हंजू दुख दी बुनियाद ते खड़े ने, जितना वड्डा दुख जितनी वड्डी बुनियाद उतना ही वड्डा हंजुआं दा मैल खड़ा हो जाता है। जितनिया वड़िया दुखां दियां जड़ां हंजुआं दे पत्ते उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, हंजू ते दुख तो ही निकलते हैं। जितना वड्डा दुख उतने ही हंजू। एक आलम दा ते ऐसा कहना है कि मनुख दी अखां दे चों अज तक जितने हंजू वगे ने उतना जल ते शायद सत सागरां विच भी नहीं है। मनुख इतना रोया है, इतना रोया है, इतना रोया है। रोण का कोई कारण होना चाहिए, वो है दुख। इस बच्चे कुल की दुख है, क्यों रोया है, क्यों रो रहे है। इसनु भाई गुरदास जी ने ते फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल खोले। भाई गुरदास जी कहंदे ने, रोवे रतन गवाए के माया मो हनेर गुबारा, ओ रोवे दुख अपना हस हस गावे सब परवारा। एक रतन गवा गया है, एक रतन गवाच गया है, एक रतन किधरे खो गया है, हैं? बच्चे कुल केड़ा रतन सी, ध्यान दा रतन सी। हुण जिहड़ी जीवन यात्रा चली है इहदे च ज्ञान ते वधेगा, ध्यान नहीं वधना। ध्यान ते टुट गया, ज्ञान वधदा जाएगा उम्र दे नाल नाल, ए ज्ञानी होंदा जाएगा, ध्यानी नहीं। जन्म दे च ए ध्यानी सी, जीवन दे च ए ज्ञानी है। ध्यानी निर्माणता दी मूर्ति होंदा है, ज्ञानी हंकार दा मुजस्मा होंदा है। ध्यानी प्रेम दी मूर्ति होंदा है, जबकि ज्ञानी अहंकार दा ही चित्रण करदा है। ध्यानी एकागर होंदा है, जबकि ज्ञानी खिंडे आउंदा है, फैले आउंदा है, दूर दूर तक फैले आउंदा है। शायद इस वास्ते ही उर्दू दे एक महान शायर इकबाल ने ऐसा कह दिता है कि फिलसफी को भैंस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। हुण ते ज्ञान वधदा जा रहा है, तो ज्ञान करके वाद विवाद वधेगा। जैसे के भगत कबीर कहंदे ने, हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे। ए ज्ञानी ना हुण सुनेगा ना गावेगा, बस बातन ही असमान गिरावे। गल्लां नाल ही इसने आसमान नूं ढाणा है। और जैसे जैसे उम्र वधेगी गल्लां वधणगियां। अक्सर देखे है कि बुढ़े जितने बातूनी हो जाते हैं उतने बच्चे नहीं। ये बातूनी होना उम्र के नाल नाल वधेगा। चार बुढ़े जिथे बैठे ने लगातार चार चार घंटे बोली जा रहे ने, लेकिन बोलन का कोई अर्थ नहीं है, बस बोलन ले ही बोलना है। बोलना ही वधदा जा रहा है, तो बोलना तो ज्ञान तो आवेगा। मैं ज्यादा जानदा, मैं बोलदा। पहले ये ध्यानी सी, ध्यानी खामोश हो जाता है, ज्ञानी बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। ध्यानी दी खामोशी भी जो संदेश ते उपदेश दे जाती है,
ज्ञानी दे शब्द भी उतना संदेश ते उपदेश नहीं देंदे। ध्यानी दा मौन भी जो आनंद दी वर्षा कर जांदा है, ज्ञानी दी धुआंधार तकरीर भी झोली विच कुछ नहीं पांदी। जीवन ते ज्ञानी है, ज्ञानियां नाल संसार भर गया, जगत भर गया। बड़ा बोल बड़ा बोल, चार बंदे जिथे खड़े ने धुआंधार बोलना चल रहा है, धुआंधार गल बात चल रही है, बिना रुके ही गल बात चल रही है, पर बिना रुके ही एक लंबा मौन माता दे गर्भ दे चल रहा है। शायद बाद विच कुछ एक लोगों नू जो ख्याल आया मौन धारण करिए, ये भी ख्याल उत्थों दा ही मिलिया है, ये संस्कार भी माता दे गर्भ तो मिले। मौनी सी उत्थे, ध्यानी सी उत्थे, ये सारे संस्कार जो माता दे गर्भ विच मिले, जीवन भर ये उसकी तलाश करता रहा, मैं मौन हो जावा, मैं एकांत दे चला जावा, मैं गुफा दे चला जावा, मैं खामोश हो जावा। ये सारी अवस्था गर्भकाल विच सुते सिद्ध इसनू प्राप्त सी, ऐसा मौन जिस विच निरोल अमृत रस्ती परमात्मा दी विचार बह रही सी, ऐसी एकाग्रता जिस दे च निरोल ईश्वर ही ईश्वर सी, परमात्मा ही परमात्मा, ऐसी समाधि सी जिदे च कोई समस्या नहीं सी, जिंदगी दी कोई समस्या नहीं, ना खाण दी ना पीण दी ना जीण दी ना श्वास लैण दी। मां श्वास ले रही है ये श्वास ले रही है, मां खा रही है ये खा रही है, मां पी रही है ये पी रही है, पीण लई भी यतन नहीं, खाण लई भी यतन नहीं। अक्सर बहुती चिंता ते मनुख नूं रिजक दी आउंदी है, रिजक भी सुते सिद्ध गर्भकाल विच बच्चे नूं मिल रहा है। जद भी कोई समाधि लीन संत हो जांदा है उन्हूं भी रिजक प्राकृतिक रूप विच मिलदा है। अगर वो समाधि 10 महीने दी लंबी हो जाए उन्हूं रिजक परमात्मा देंदा है, इस तरह देंदा है जिस तरह गर्भकाल विच बच्चे नूं देंदा है। बच्चे नूं खाणा नहीं पैंदा, बच्चे नूं पीणा नहीं पैंदा, बच्चे नूं श्वास भी लेने नहीं पैंदे। कई दफा समाधि लीन पुरशां दे श्वास भी रुक जांदे ने, फिर भी वो जिंदा हुंदे ने। हुण श्वास लैण दी लोड़ नहीं, खाण दी भी लोड़ नहीं, पीण दी भी लोड़ नहीं, सब कुछ परमात्मामयी हो गया, सब कुछ ईश्वरमयी हो गया। तो एकांत मौन रस खेड़ा ये सब कुछ जो है प्राप्त है। मूल चिंता जिहड़ी रोजी दी है रिजक दी है ये तो बिल्कुल ही नहीं। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, आप कहते ने प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनो साबन सूत। प्रथम माता दे अस्तन में दूध बाद विच है, पहले अस्तन विच दूध नहीं है क्योंकि कोई दूध पीण वाला ही नहीं है, प्रकृति ने नहीं दिता। अस्तन बना देते, सोने बना देते पर खाली ने, भांडा बना देता है पर भांडे विच अजे प्रभु ने कुछ पाया नहीं। क्यों? कि अजे कोई पीण वाला ही नहीं आया। जैसे पीण वाला गर्भ तो बाहर आउंदा है, भांडे लबालब भर जांदे ने। कितनी वड्डी दया उसकी, कितनी वड्डी उसकी रहमत, कितनी वड्डी उसकी बख्शिश। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देत जंत उपाहा। जंतु बाद विच पैदा होंदा है, रिजक पहले पैदा होंदा है। इसे नूं शेख सादी साहब ने कहा है, गमे रोजी महुर मजन और आ के दफ्तर रा, के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। भूल के भी कदी रिजक दी चिंता ना करें, देखते सही बच्चे दा जन्म बाद विच होया है, मां दे अस्तना विच दुध पहले बन गया है। ईरान का यह सम्राट संत कितनी खूबी दे नाल, कितने सोने शब्दों के नाल जगत नूं जो है समझा रहा है। दूसरा पैरा ध्यान टुट गया है, जन्म जीवन विच बदल गया है, जन्म जीवन दे प्रवाह दे चल पे है, प्रवाहित हो गया है। पहले ठहरिया होया सी हुण प्रवाहित हो गया है, पहले रुकिया होया सी हुण चल पे है, पहले समाधि लीन सी हुण समस्या लीन हो गया, समस्यावां विच गिर गया।
जैसे समस्यावां दिच घिरे है रोया है, और ये समस्या उदों ही पैदा हो जाती है जदों ये गर्भ तो बाहर आता है। गर्भ तो बाहर आना ही समस्यावां दा जन्म होना है। इंज नहीं कहना चाहिए कि बच्चे दा जन्म होया है समस्यावां दा जन्म होया है। इंज नहीं कहना चाहिए बच्चा जमे है कुछ दुख जमने है, विपता जमी है, कलेश जमे है। क्यों? बच्चा तो रो पे है, रोना तो दुख तो होता है, रोना तो कलेश तो होता है। तो एक रतन गवाच गया इसके कोलों, वो सी ध्यान। तो माता दे गर्भ विच बच्चा ध्यानी है, जद के बाद विच सारा जीवन भर एक ज्ञानी बनन की कोशिश करेगा, ध्यानी बनन दी नहीं। जन्म विच ध्यान है, जीवन विच ज्ञान है। ज्ञानी दा मन खिंडिया होवेगा, ध्यानी दा मन जुड़े होवेगा। ज्ञानी चलाक होवेगा, ध्यानी भोला होवेगा। ज्ञानी दूसरियां नूं धोखा दे सकदा है, ध्यानी दूसरियां कोल धोखा खा सकदा है। इतना अंतर है, इतना अंतर है जमीन आसमान दा। कोई धोखा खा के खुश होंदा है, कोई धोखा दे के खुश होंदा है। जो धोखा दे के खुश होवे वो ते ज्ञानी है, जो धोखा खा के भी प्रसन्न होवे वो ते ध्यानी है। जीवन भर अगर मनुख कुछ तलाश भी कर रहा है तो धार्मिक लोग कहते ने ध्यान की तलाश कर रहा है। इस वास्ते कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, किस लिए जा रहा है? ध्यान साधना करने लिए जा रहा है, और की है? ध्यानी बनने लिए जा रहा है। ज्ञानी तो है, विद्यालय ज्ञानी बना रहे ने, स्कूल ज्ञानी बना रहे ने, बड़े बड़े कॉलेज मनुख नु ज्ञानी बना रहे ने। ज्ञान की वर्षा तो चारों पासे हो रही है, कदम कदम ते स्कूल ते कॉलेज, कदम कदम दे उत्ते ज्ञानियां दी भीड़। ज्ञान सिर दा बोझ बन के रह गया है, ज्ञान भार बन के रह गया है। जान दे बहुत कुछ हां, जिस दे संबंध च जान दे हां उदी प्राप्ति कोई नहीं, वो कोल नहीं है। बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। ज्ञान बोझ बन गया है, ज्ञान तनाव बन गया है। और ए सदी ए बीसवीं सदी जे ज्यादा तनाव ग्रस्त है तो इसका यही मतलब है कि बाकी तमाम सदियां नालों ये ज्यादा ज्ञानी सदी है। ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान चरम सीमा ते पहुंच गया है। तो फिर कुदरती गल है दुख भी चरम सीमा ते पहुंचना सी। ज्ञान करके मन की चंचलता वधी, ज्ञान करके मन का जो है खिंडा होया। ज्ञान सी ही ध्यान की प्राप्ति लई, लेकिन ज्ञान वरत्या गया फैलाव लई। तो बाहर से बहुत कुछ पसर गया है, फैल गया है, बहुत कुछ प्राप्त भी हो गया है, खो गया है तो ध्यान खोया है। और एक दफा जब खोया है तो जीवन भर झोली दे पिया ही नहीं। इधर ए गर्भ तो बाहर आया, इधर ध्यान दी डोरी टूट गई, विसर गया सब ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ध्यान ते भूल गया, ध्यान ते टूट गया। ये रतन से रोवे रतन गवाए के, माया मोह अनेर गुवारा। ओ रोवे दुख अपना, हस हस गावे सब परवारा। भाई गुरदास जी गर्भ काल दे उस ध्यानमई अवस्था नु कहंदे ने ओ ते इक रतन सी इस दे कोल जो जांदा रहा। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है ऐसा नाम रतन निर्मोलक, उन पदार्थ पाया भगत उसे रतन नु प्राप्त कर लेंदे ने। भगतां दे अंदर उसे ही रतन दी जो है चाहत है। और जैसे उस बच्चे कोल ए रतन छुपे आउंदा है, गुझे रूप च आउंदा है, आम बैरूनी दुनिया नू जो है नहीं पता आउंदा, भगत भी इस रतन नू हमेशा छुपा के रखण दी कोशिश करदे ने। आप कहंदे ने अनक जतन कर हिरदे राख्या, रतन न छपे छपाया। ए गल वखरी है कि जब गर्भ काल तो बाहर आके उस ध्यान में ही रतन की प्राप्ति होती है तो फिर ध्यानी छुपया नहीं रह जाता। ये ठीक है कि माता का गर्भ उधर दस देता है कि इस देश कोई जीवन पल रहा है, कोई जीवन है। ये गल वखरी है, समाधि लीन है, एकाग्र है। ध्यानी नू वेख के भी पता चल जाता है ये तो जापदा है परमात्मा के गर्भ दे चला गया, ये तो ईश्वर के गर्भ दे चला गया, इते परम चेतना दे गर्भ दे चला गया। जो माता दे गर्भ दे बच्चा है सारी जिम्मेवारी मां दी, जो परम चेतना दे गर्भ दे चला जांदा है सारी जिम्मेवारी परम चेतना दी।
परमात्मा दी, ईश्वर दी, निरोल ईश्वर दी। इस वास्ते अगर अनुभव यह आख रहा है कि सारी दुनिया के धार्मिक अस्थान परम चेतना के गर्व की तलाश करने एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो धर्म मंदिरों की तरफ भजे हुए जाते मनुख गर्व की तलाश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब इसके को सूक्ष्म शरीर से तो इसने माता के गर्भ की तलाश की थी, हुण इसके को अस्थूल शरीर है तो इसने परमात्मा के गर्भ की तलाश की, ईश्वर के गर्भ की तलाश की थी। बकायदा मंदिर जी गुफा होंगी उन्होंने कहते गर्भ ने, मंदिर का एक गर्भ है और उसकी परिक्रमा की जाती है। गर्भ की परिक्रमा क्यों? कि गर्भ के अंदर देवता है। जब भी कोई परमात्मा का गर्भ प्राप्त कर लेता है वो तो देवता हो जाता है, ऐसा देवता हो जाता है जैसे कि सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में प्रवेश कर गया वो देवता ही है। और एक ऐसी प्रथा भी साढ़े देश में चलंगी है कि जब कोई औरत गर्भवती हो जाती सी तो उसकी पूजा होती सी, परिवार के सारे सदस्य उसकी परिक्रमा करके पूजन करते सन। क्यों? कि ये अज देवल बन गई है, कोई देवता समाधि लीन बैठा है इसके अंदर। अगर मंदिरों की पूजा है तो मैं इसलिए कि परम चेतना का एक गर्भ का साकार स्वरूप ने जिथे बैठा बैठिया कोई समाधि लीन हो जाए तो परमात्मा के गर्भ में बकायदा स्थित हो जाता है, टिक जाता है। और हूबहू इस तरह टिक जाता है जैसे कि माता के गर्भ में बच्चा, तो जिवें सूक्ष्म शरीर मां का गर्भ लभदा है यह अस्थूल शरीर परमात्मा का गर्भ लभदे ने, ईश्वर का गर्भ लभदे ने। और सारी जिंदगी भर उसे गर्भ की जो है तलाश आती है। गर्भ चो बाहर आते हैं ये जो बच्चा रोया है बस उस ध्यान दे टुटन करके जो है रोया है। लिव छुटकी लगी त्रिश्ना माया अमर वरताया, दूजे पैरे रहन के वन जारिया मित्रा, विसर गया सब ध्यान हथों हथ नचाइए वन जारिया मित्रा, ज्यों जस उदा घर कान हथों हथ नचाइए प्राणी, मात कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं किछ तेरा जिन रच रचया तिसे न जाने, मन भीतर धर ध्यान जियो कहो नानक प्राणी दूजे पैरे विसर गया ध्यान जियो। जीवन रूपी रात दा दूजा पैर ए बचपना ध्यान जांदा रहा, ध्यान टूट गया। प्रथम रोया क्यों से ए भी भूल गया क्योंकि रोने होर बहुत पैदा हो गए और अनंत खिडौणियां दे रोणियां विच तरह तरह के पदार्थों के रोणियां विच ईश्वरमई वो ध्यानमई रोना दब के रह गया। जब कभी किसी की सुरत शब्द नाल जुड़ती है तो जब रो उठता है तो यह उही रोना आता है जिहड़ा प्रथम यह रोया सी जब माता के गर्भ तो बाहर आया सी। ये रोना जिसनों भी नसीब हो जाए समझ लो उसने परमात्मा का गर्भ नसीब कर लिया, उन्हें प्राप्त हो गया। हुण रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। ये अवस्था जिसनों प्राप्त हो जाए समझ लो उसने वो प्रथम रोना लभ लिया है, जिसनों प्रथम रोना लभ पिया है वो प्रथम आनंद भी लभ लेगा जिहड़ा उसनों माता दे गर्भ विच प्राप्त सी। तीसरे चौथे पैर विच इस प्राणी ने, इस जीव यात्री ने किस तरीके नाल अपनी तर्ज जिंदगी बतीत की थी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगे इंज वर्णन।